जाह्नवी कपूर की पहली मूवी धड़क अभी तक रिलीज भी नहीं हुई है और इससे पहले ही जाह्नवी कपूर को एक और नई मूवी मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, इस बार ये मूवी धड़क से भी 100 गुना ज्यादा बड़ी होने वाली है, क्योंकि इस फिल्म को पद्मावत के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली बना रहे हैं और इस फिल्म में लीड करते दिखेंगे कार्तिक आर्यन, जो कुछ दिनों पहले ही एक सुपरहिट मूवी सोनू की टीटू की स्वीटी जैसी मूवी दे चुके हैं। दोस्तों यहाँ पद्मावत के बाद से ही सब भंसाली की अगली मूवी के बारे में सोच रहे थे और खबरों के मुताबिक कभी इनकी अगली फिल्म के लिए ऋतिक रोशन का नाम सामने आता था तो कभी शाहरुख खान का, लेकिन फाइनली भंसाली ने अपनी अगली फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन को चुना और इस फिल्म के एक्ट्रेस के लिए जाह्नवी कपूर से बात की गई है। हाल ही में कार्तिक और जाह्नवी को एक साथ भंसाली के ऑफिस में देखा गया है और कुछ बड़ी न्यूज एजेंसी की माने तो इनके हिसाब से इन दोनों को फिल्म के लिए चुन लिया गया है और इसके ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी जल्दी की जाएगी। तो ऐसे में धड़क से पहले ही जाह्नवी कपूर को एक और बड़ी मूवी मिल गई है और धड़क के ट्रेलर में भी जाह्नवी कपूर छाई दिखी थी। तो ऐसे में जाह्नवी कपूर ने अपनी पहली मूवी से ही बॉलीवुड में अपने पैर जमा लिए है और धड़क के बाद भंसाली की फिल्म मिल जाने के कारण इनका कॉन्फिडेंस भी काफी ज्यादा बढ़ गया होगा, क्योंकि संजय लीला भंसाली की फिल्म हमेशा से ही सुपरहिट होती है और इनके फिल्म में हर कोई काम करना चाहता है और फिल्म के एक्टर कार्तिक आर्यन वो भी इन दिनों खूब छाए हुए हैं। तो दोस्तों धड़क के बाद आप जाह्नवी कपूर को कार्तिक आर्यन के साथ भंसाली की अगली फिल्म में देख सकेंगे और अब इंतजार रहेगा तो बस इस फिल्म के अनाउंसमेंट का। और दोस्तों आप कमेंट कर बताइए आपको जाह्नवी कपूर और कार्तिक आर्यन की जोड़ी कैसी लगी और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।